मंगल दोष, पितृ दोष, नाड़ी दोष, काल सर्प दोष, जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो कैसे घबराहट सी हो जाती है ना। जब कोई एस्ट्रोलॉजर हमसे ये कहता है कि ये दोष हमारी कुंडली में है तो हमें कैसे कंसर्न हो जाता है कि आगे लाइफ कैसे चलेगी, क्या करना पड़ेगा। अगर आपके भी हैं ये सवाल तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हर जिंदगी चैनल को। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य पूजा गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं उन दोषों की जो हमारी कुंडली में पाए जाते हैं। क्या ये दोष इतने खराब होते हैं? अगर हाँ तो हमें क्या रेमेडीज करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आज हम बात करेंगे पितृ दोष के बारे में। अगर ये हमारी कुंडली में है तो ये समझते हैं पितृ दोष होता क्या है। जैसे कि ये शब्द ही बताता है, पितृ दोष पितरों से, हमारे जो फोर फादर्स हैं उनसे रिलेटेड होता है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमारी फैमिली में, हमारे एंसेस्टर्स में किसी की ऐसी डेथ जिनकी कोई विश पूरी नहीं हो, कुछ उनके मन में रह गया हो जो पूरा नहीं हुआ, अनटाइमली डेथ हो गई, या फिर उनके श्राद्ध की पूजा होने में हमसे कोई कमी रह गई या उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, और इन सब की वजह से हमारे जीवन में हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग नहीं है। जब ऐसा होता है तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? हमारे करियर में ग्रोथ नहीं मिलती, हम कितनी मेहनत कर लें हमें वो ऊंचाई मिलती ही नहीं जो हम चाहते हैं। हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हो जाते हैं और ज़्यादातर मेडिकल रीज़न में होते हैं। घर में किसी की शादी होनी है, बच्चे की एज हो चुकी है लेकिन शादी हो ही नहीं रही, बार बार रिश्ता पक्का होने लगता है और रिश्ता टूट जाता है, या फिर अगर शादी हो गई है तो बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और बेबी हो ही नहीं रहा। मेडिकल रीजंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुंडली में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बेबी कंसीव नहीं हो रहा तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कुंडली में या फैमिली में किसी को पितृ दोष है। अब कैसे देखा जाए कि हमारी कुंडली में पितृ दोष है? या तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हैं, वो आपको बता देंगे, और अगर आप खुद दिखना चाहते हैं तो जो ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं पितृ दोष के लिए वो हैं सूर्य, चंद्रमा, राहु और केतु। सूर्य वैसे भी हमारी कुंडली में पिता का कारक होता है, ऐसे ही चंद्रमा माँ का कारक होता है। जब सूर्य कमज़ोर होके, नीच के होके बैठते हैं तो भी ये माना जाता है कि सूर्य कमज़ोर है और पितृ दोष की संभावना है। अगर सूर्य नीच के होके राहु के साथ बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि कुंडली में पितृ दोष है। अगर केतु के साथ सूर्य हैं और वीक हैं तो भी ये एक पितृ दोष का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस हैं तो आपको डेफिनेटली एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, अपनी कुंडली को समझना चाहिए और जो रेमेडीज वो बताते हैं वो आपको रिलीजियसली फॉलो करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ रेमेडीज के बारे में जो अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है और आप करते हैं तो आपको राहत मिलेगी और आपकी ज़िंदगी का सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा। हमेशा जब भी आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो पूरे मन से अच्छे से पूजा करें और उनसे माफ़ी ज़रूर मांगें कि अगर कोई कमी पहले भी रह गई है आपसे या आपके फोर फादर्स से भी, तो उसके लिए उन्हें माफ़ करें और सच्चे मन से उनकी पूजा करके उनके नाम का दान करें। दूसरा, तर्पण, यानी अमावस्या या पूर्णिमा के दिन अपने पितरों को याद करके कुछ दान ज़रूर करें। तीसरा, अमावस्या के दिन गाय को रोटी ज़रूर खिलाएं, वो भी अपने एंसेस्टर्स को याद करके। चौथा, जब आप सूर्य को जल देते हैं तो भी अपने एंसेस्टर्स को याद करें और उनकी शांति के लिए प्रार्थना ज़रूर करें। आपके घर में एक डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, जिसे पितरों की डायरेक्शन माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो ये सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी है। अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखें कंपस में और वहाँ खड़े होकर रोज सुबह काम पर जाने से पहले अपने पितरों को नमन ज़रूर करें। अपनी इस लाइफ के लिए जो भी आपको ज़िंदगी में मिला है उसके लिए उन्हें थैंक्स करें, उनकी ब्लेसिंग्स माने और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। अब हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। अगर ये हमारी कुंडली में होता है तो हमारी लाइफ की प्रोग्रेस बहुत धीरे हो जाती है, हमें बहुत ज़्यादा अड़चने आती हैं। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है ना, वो ये देखते हैं कि उनके साथी, उनके कलीग्स, उनको बोनस भी जल्दी मिल जाता है, उनको प्रमोशन भी जल्दी मिल जाती है, उनको नए प्रोजेक्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इनकी लाइफ की स्ट्रगल बढ़ती जाती है, इनको रिपीटेटिव एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब कुछ मिथ्स
काल सर्प दोष के साथ भी जुड़े हैं। कोई कहता है कि आपकी पिछले जन्म में मृत्यु सांप के काटने से हुई थी, इसलिए आपको काल सर्प दोष हुआ। कोई तो ये भी कहता है कि आपने सांप को मारा होगा, इसलिए आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारी कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। राहु केतु हमेशा 1-7 एक्सिस पे रहते हैं, मतलब यहाँ राहु है तो सामने केतु होंगे। जब राहु केतु के एक तरफ सारे प्लैनेट्स हो जाते हैं, मतलब घूम घूम के पूरी कुंडली में कोई प्लैनेट नहीं है, सारे प्लैनेट्स इस तरफ है राहु केतु के या फिर इस तरफ है, तो उसे काल सर्प दोष कहा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जब सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक्सिस के एक तरफ हो जाते हैं वो हमारी कुंडली में काल सर्प दोष कहलाता है, और ऐसा होने से हमारी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाती है। अब काल सर्प दोष होने से होता क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि हर्डल्स आते हैं, दिक्कतें आती हैं, आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाती है, या फिर बीमारी घर से जाती ही नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बीमारी है लेकिन वो टेस्ट में आ ही नहीं रही, पता ही नहीं चल रहा जिसका इलाज हो पाए, डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल रीज़न क्या है, या फिर शादी होने में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा, बेबी हो गया तो बेबी हेल्दी बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक भी हो जाता है कि बेबी हो गया और डेथ हो गई। तो ऐसी सिचुएशंस में जब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आए ना, तो कुंडली खोलो तो सबसे पहले उसमें काल सर्प दोष दिखाई देता है। जब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो जब भी दशा में राहु केतु एक्टिव होंगे, महादशा, अंतर दशा, प्रतंतर दशा, तब आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अब आपको रेमेडीज क्या करनी है? आप काल सर्प दोष निवारण पूजा कर सकते हैं, जो पंडित करते हैं, ये मंदिर में भी हो सकती है या आपके घर में आके भी हो सकती है। दूसरा, मंत्रा जाप, जो आप खुद कर सकते हैं, राहु का बीज मंत्र, केतु का बीज मंत्र, अगर आप ये डेली करते हैं तो भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तीसरा, दान, आप सोना, चांदी, गेहूँ, काला कंबल, जितना भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं दान ज़रूर करें, और कोशिश करें कि सैटरडेज या ट्यूसडेज को करें। चौथा, आप गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं, ये भी आपको बहुत रिलीफ देते हैं। और सबसे इफ़ेक्टिव रेमेडी, जिनकी भी कुंडली में काल सर्प दोष है और वो जीवन में कठिनाइयाँ फेस कर रहे हैं, तो वो खाटू श्याम मंदिर ज़रूर होकर आएँ, वहाँ जाने से आपको बहुत रिलीफ मिलता है। तो आज हमने बात की कुंडली में पाए जाने वाले दोषों के बारे में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई और आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मिले। अगर आपके कुछ और सवाल हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, और ऐसी और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी चैनल को।